शुक्रवार सुबह जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा इलाके में हुआ बड़ा फिदायीन हमला, राजबाग थाने को बनाया गया निशाना, जिसमें सीआरपीएफ के दो और स्थानीय पुलिस का एक जवान शहीद हो गया। हालांकि सुरक्षा बलों की कार्रवाई में दोनों आतंकवादी ढेर कर दिए गए। जैसे ही हमले की खबर आई, जिला प्रशासन ने अतिरिक्त सुरक्षा बलों को घटना स्थल पर भेज दिया और जम्मू पठानकोट राजमार्ग को एहतियातन बंद कर दिया गया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक 2 से 3 फिदायीन आतंकवादियों का एक समूह शुक्रवार सुबह राजबाग पुलिस थाने में घुस गया था और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी थी। यह पुलिस थाना भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर है। हमले के कुछ देर बाद ही केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और गृह सचिव SL गोयल ने जम्मू कश्मीर के DG पुलिस से बात की और स्थिति की जानकारी ली। इस हमले पर लोकसभा में बयान देते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जवानों के शौर्य को सदन सलाम करता है। हमारे जवानों ने हमला करने वाले आतंकवादियों को मार गिराया, मैं उन्हें बधाई देता हूँ। यहाँ ये जान लेना भी जरूरी है कि जम्मू कश्मीर में PDP BJP सरकार बनने के बाद ये पहला आतंकवादी हमला है। विपक्ष से राज्य सरकार की आतंकवादियों के खिलाफ सॉफ्ट पॉलिसी से उकसा हुआ हमला करार दे रही है। काले धन पर अंकुश लगाने के मकसद से केंद्र सरकार ने एक विधेयक लोकसभा में पेश किया। अगर यह विधेयक पास होकर कानून का स्वरूप धारण कर लेता है तो इसके बाद काले धन रखने वाले व्यक्ति को 10 साल तक की कठोर कारावास की सजा हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार काला धन पकड़े जाने के बाद आरोपी से समझौते के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। यही नहीं, आरोपी सेटलमेंट कमीशन में भी अपील नहीं कर पाएगा। ऐसे काले धन पर 3 गुना जुर्माने का प्रावधान भी इस विधेयक में रखा गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने मंगलवार को ही इस विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी थी। सरकार इस विधेयक को जल्द से जल्द पारित करवाने की कोशिश करेगी। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्री अरुण जेटली अघोषित विदेशी आय और संपत्ति विधेयक 2015 भी पेश करेंगे। बताया जाता है कि सरकार इस विधेयक को पेश करने के बाद एक टैक्स पालन योजना की घोषणा भी कर सकती है। इस योजना के तहत लोग विदेशों में अपने काले धन का खुलासा कर सकेंगे। ऐसे लोग टैक्स और जुर्माने के भुगतान के बाद दंडात्मक कार्रवाई से बच सकेंगे। इस विधेयक में इस बात का भी प्रावधान रखा गया है कि काले धन से विदेशों में खरीदी गई संपत्ति को भी सरकार जब्त कर सकती है और अगर ऐसा करना मुमकिन नहीं हो पाएगा तो उसी मूल्य के बराबर देश में व्यक्ति की संपत्ति को जब्त किया जा सकता है। राजस्थान से लगती पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 15 से 20 किलोमीटर अंदर भारतीय क्षेत्र में कई इलाकों में पाकिस्तानी मोबाइल कंपनियों के सिग्नल आने से देश की सुरक्षा में सेंध लग रही है, जिसके चलते बाड़मेर के कई तस्कर जासूसों द्वारा पाकिस्तानी सिमों का प्रयोग हो रहा है। पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ रची गई एक और नई साजिश के तहत राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट अपने क्षेत्र में करीब 3 दर्जन से ज्यादा नए मोबाइल टावर स्थापित किए हैं। इन मोबाइल टावरों के सिग्नल भारतीय क्षेत्र में 15 से 20 किलोमीटर अंदर तक पहुंचने पर ये भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। पाकिस्तानी मोबाइल कंपनियों के सिग्नल आराम से काफी अंदर तक भारतीय क्षेत्र में आने से कई कुख्यात तस्कर जासूसी द्वारा थार एक्सप्रेस के जरिए बड़ी संख्या में पाकिस्तान मोबाइल सिम मंगवाए गए हैं। मुनाबा और रेलवे स्टेशन पर थार एक्सप्रेस से आ रहे यात्रियों की स्कैनिंग करने की कोई सुविधा नहीं होने से पाकिस्तान की सीमा से धड़ल्ले से मोबाइल सिम, पाकिस्तानी गानों से भरी हुई तथा भड़काऊ भाषणों से भरी हुई चिपें भारतीय सीमा में लाई जा रही हैं। वहीं 2009 में बब्बर खालसा नामक आतंकी संगठन के लिए बड़ी मात्रा में बारूद और हथियार और कई बार दूसरे संगठनों के लिए हेरोइन भी बड़ी मात्रा में यहाँ सप्लाई होते समय पकड़ी गई है। इनमें जिन कंपनियों के सिग्नल भारतीय क्षेत्र में पहुंच रहे हैं उसमें वेरिडिटल, ओसिस, पाक टेलीनॉर, PKPL, पाक पॉल मोबाइल और यूफॉर्म, PT सोशल, हच आदि प्रमुख हैं। राज्य विधानसभा के प्रश्नकाल में आज शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारिता सहित 9 विभागों के प्रश्न उठे, लेकिन सबसे ज्यादा बवाल जोधपुर विश्वविद्यालय से जुड़े भ्रष्टाचार के विवाद में हुआ। इस मामले में भाजपा के विधायकों ने अपनी ही सरकार के मंत्रियों को घेरते नजर आए। हालांकि मंत्री ने भी भ्रष्टाचार की बात से इनकार नहीं करा और उस पूरे मामले की जांच के लिए एक कमेटी का ऐलान भी कर दिया। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी जोधपुर के JNRN यूनिवर्सिटी के खातों की अब सरकार थर्ड पार्टी ऑडिट कराएगी। विधानसभा में जोधपुर यूनिवर्सिटी की आयोजित की गई PTET परीक्षाओं के खर्चे को लेकर भाजपा के ही विधायकों ने भ्रष्टाचार का मामला उठाया।
यूनिवर्सिटी में भर्ती सहित अन्य मामलों में भी घोटाले के आरोप लगाए गए। इस पर उच्च शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ ने थर्ड पार्टी ऑडिट की घोषणा की। साथ ही उन्होंने ये भी घोषणा की कि अन्य घोटालों के लिए कॉलेज एजुकेशन कमिश्नर की अध्यक्षता में 3 सदस्यों की कमेटी गठित कर उसकी जांच कराई जाएगी और ये कमेटी अगले 1 महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी। वहीं अब पीटीईटी परीक्षा कराने का अधिकार भी जोधपुर यूनिवर्सिटी से छीनकर अजमेर की एमडीएस यूनिवर्सिटी को देने का ऐलान कालीचरण सराफ ने किया। प्रश्नकाल में बीजेपी के जोगाराम पटेल ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को 2008 से लेकर अब तक पीटीईटी एग्जाम कराने से 96,52,09,526 रुपए की आय होने की बात कही। उनके अनुसार इनमें से नियम अनुसार करीब 25,70,00,000 रुपए राज्य सरकार को देने थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी के कैलाश भंसाली, सूर्यकांता व्यास ने भी सदन में यूनिवर्सिटी प्रशासन पर कुछ ऐसे ही गंभीर आरोप लगाए। बहरहाल जोधपुर यूनिवर्सिटी का विवादों से पुराना नाता रहा है, लेकिन मौजूदा सरकार इस अनियमितता को भ्रष्टाचार से जोड़ रही है और इसका पूरा ठीकरा पिछली गहलोत सरकार पर फोड़ रही है। मतलब साफ है कि आज सदन में शिक्षा की सुचिता के मंथन के नाम पर जमकर सियासत हुई। प्रदेश में अब आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों को सेल्फ वेरिफिकेशन के आधार पर ही मिल सकेगी सरकारी स्कॉलरशिप। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग ने लिया यह निर्णय। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने विधानसभा में शुक्रवार को दी यह जानकारी। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि अनुसूचित जाति व जनजाति के बकाया छात्रवृत्ति के मामलों का तेजी से निस्तारण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2009-2013 के बीच ऐसे 5,00,000 प्रकरण लंबित थे जिन्हें अभियान चलाकर अधिकांश मामलों को निपटा दिया गया है और सिर्फ 8-9% ही बाकी रह गए हैं। डॉक्टर चतुर्वेदी ने प्रश्नकाल के दौरान विधायकों की ओर से अनुसूचित जाति व जनजाति के बकाया छात्रवृत्ति के संबंधों में पूछे गए पूरे प्रश्नों के जवाब में कहा कि विभाग छात्रवृत्ति समय पर देने की व्यवस्था के लिए सतत प्रयासरत है। इससे पहले विधायक देवेंद्र कटारा के मूल प्रश्न के जवाब में अरुण चतुर्वेदी ने राजस्थान में सरकारी व निजी नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्र छात्राओं को विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति जनजाति मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत वर्ष 2011-12 से 2014-15 तक प्राप्त आवेदन पत्रों का वर्षवार, वर्गवार और जिलेवार विवरण सदन के पटल पर रखा। कटारा का यह आरोप था कि स्टूडेंट्स को समय पर स्कॉलरशिप नहीं मिलती। इस पर मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने गहलोत सरकार के समय की 5,00,000 स्टूडेंट्स की पेंडिंग पड़ी स्कॉलरशिप की जानकारी सदन में रखी। चतुर्वेदी की माने तो अब यह पेंडेंसी खत्म की जा चुकी है और नए साल के लिए आवेदन मांग कर इसमें आई खामियों को दूर करने का प्रयास भी किया जा रहा है और सभी छात्रों को एक और मौका भी दिया जा रहा है। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी शुक्रवार को कोटा जिले के दौरे पर पहुंची। यहां उन्होंने ओलावृष्टि से प्रभावित 2 गांवों का दौरा किया। सोनिया गांधी शुक्रवार दोपहर विशेष विमान से झालावाड़ पहुंची। यहां से हेलीकॉप्टर से वे कोटा एयरपोर्ट पहुंची, जहां से दोपहर करीब 2 बजे सांगोद विधानसभा क्षेत्र के दरबीजी गांव पहुंची। यहां उन्होंने गांव के बाहर मंदिर के पास किसानों से मुलाकात की और खराब फसल देखी। इसके बाद वे गांव में पहुंची और किसानों से मुलाकात की। कुछ देर बाद वे लाड़पुरा क्षेत्र के मोरपा गांव में पहुंची। यहां भी उन्होंने ओलावृष्टि से हुए खराबे का जायजा लिया। भारी ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं इलाकों में हुआ है। सोनिया गांधी के साथ गुरुदास कामत, पीसीसी चीफ सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहे। किसानों ने सोनिया को अपना दर्द बताया और खराबे की जानकारी दी। सोनिया गांधी ने किसानों का दर्द बांटा और उन्होंने आश्वासन दिया है कि कांग्रेस प्रदेश और केंद्र दोनों ही सरकार तक मजबूती से किसानों का दर्द को पहुंचाएगी और मुआवजे ज्यादा से ज्यादा मुआवजे की मांग करेगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजस्थान दौरे पर आने और कोटा संभाग में ओलावृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में दौरा करने पर सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इसे महज दिखावा करार दिया है और कहा है कि सोनिया गांधी ओलावृष्टि से प्रभावित खेतों तक तो पहुंच ही नहीं पाई। वहीं राजस्थान की पीएचडी मंत्री किरण माहेश्वरी ने सोनिया गांधी के इस दौरे को नाटक करार दिया है। सोनिया गांधी के राजस्थान के दौरे पर आने और कोटा संभाग में फसलों के खराबे का जायजा लेने पर सियासत अब तेज हो गई है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सोनिया गांधी के राजस्थान दौरे को महज दिखावा करार दिया है। उन्होंने ये कहा है कि ओलावृष्टि प्रभावित असल खेतों तक तो सोनिया गांधी पहुंच ही नहीं पाई और फौरी दौरा करके चली गई। वहीं राजस्थान की पीएचडी मंत्री किरण माहेश्वरी ने भी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के इस दौरे को राजनीतिक से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि ओलावृष्टि के बाद फसलों को देखने आना नाटक है।
किरण माहेश्वरी ने कहा कि राजस्थान आकर फसल खराबे को राजनीतिक मुद्दा बनाना ठीक बात नहीं है और यह उनकी जैसी नेता को शोभा नहीं देता। होना यह चाहिए था कि राजस्थान को केंद्र से पैसा मिले, इस पर उन्हें केंद्र में बैठकर ध्यान देना चाहिए। मंत्री किरण माहेश्वरी ने विधानसभा परिसर में मीडिया से रूबरू होकर कहा कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने काफी अच्छा पैकेज किसानों को दिया है। मुख्यमंत्री ने खुद ने और भाजपा विधायकों ने भी दो दिन तक अपने क्षेत्रों में जाकर फसल खराबे का जायजा लिया है। इससे पता चलता है कि राजस्थान की सरकार संवेदनशील है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पीएचडी मंत्री किरण माहेश्वरी के बयान के बाद कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी के बचाव में उतर आई है और कांग्रेस ने भाजपा पर पलटवार किया है। कांग्रेस विधायक घनश्याम मेहर ने उल्टे भाजपा पर दिखावा करने का आरोप लगाया है कि केंद्रीय कृषि मंत्री का दौरा भी सोनिया गांधी के दौरे के बाद तय हुआ है, जबकि कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अर्चना शर्मा ने बयान दिया है कि मंत्री पद पर बैठी किरण माहेश्वरी को शायद यह भी पता नहीं है कि सार्वजनिक जीवन के लोग चाहे सत्ता में हों या विपक्ष में हों, जनता पर आपदा आती है तो उनसे मिलने और दुख दर्द जानने पहुंचते हैं। सोनिया गांधी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस की अध्यक्ष है, उनका लगाव हमेशा से ही राजस्थान से रहा है। दूसरी ओर राजस्थान की कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी के बचाव में उतर आई है। कांग्रेस का कहना है कि सोनिया गांधी राष्ट्रीय पार्टी की अध्यक्ष होने के नाते और वास्तविकता जायजा लेने राजस्थान आई थी, भाजपा को तो इसका स्वागत करना चाहिए। विगत दिनों हुई बेमौसम की बरसात और ओलावृष्टि से हुए खराबे का जायजा लेने के लिए शुक्रवार को केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री मोहन भाई कुंडारिया अजमेर जिले के विजयनगर कस्बे पहुंचे। वहां उन्होंने खेतों में जाकर किसानों के हाल जाने और खराब हुई फसल का मुआयना किया। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री मोहन भाई कुंडारिया सुबह लगभग 8:30 बजे हेलीकॉप्टर से विजयनगर पहुंचे। उनके साथ प्रदेश के गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया और कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी भी साथ थे। कुंडारिया ने विजयनगर के पास खेतों में जाकर खराब हुई गेहूं, सरसों और चने की फसल का जायजा लिया। उसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें इस बात का दुख है कि बेमौसम की बरसात से न सिर्फ फसल तबाह हुई बल्कि जानमाल का नुकसान भी हुआ। उन्होंने भरोसा दिलाया कि केंद्र और प्रदेश की सरकार बेमौसम की बरसात और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को हर संभव सहायता दिलाने का प्रयास करेंगे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री मोहन भाई कुंडारिया ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी भी इस बात से चिंतित है कि प्रदेश में बेमौसम ओलावृष्टि और बरसात से नुकसान हुआ है। यही वजह है कि उन्होंने प्रदेश के हालत का जायजा लेने के लिए उन्हें यहां भेजा है। उन्होंने कहा कि वो खुद भी एक किसान पुत्र है और किसानों का दर्द अच्छी तरह से समझ सकते हैं। स्वच्छ भारत मिशन 2014 हाई पावर कमेटी की अहम बैठक आज DLB में हुई। स्वशासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव मंजीत सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। स्वशासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव मंजीत सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रदेश के नगरीय निकाय क्षेत्रों में चल रहे अभियान की समीक्षा की गई। बैठक में प्रमुख शासन सचिव ने अभियान की जागरूकता के लिए 2 अक्टूबर 2014 से अब तक चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी भी ली। मंजीत सिंह ने प्रदेश की शहरी निकायों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनने वाले शौचालयों की सर्वे रिपोर्ट 31 मार्च 2015 तक सौंपने के निर्देश दिए ताकि केंद्र से बाकी फंड रिलीज हो सके, इसके बाद इन पर अप्रैल से काम शुरू हो सके। बैठक में शहरी विकास मंत्रालय के उप सलाहकार रोहित कक्कड़ भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत राजस्थान में अन्य राज्यों के मुकाबले अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। कक्कड़ ने कहा कि विशेष अभियान के लिए केंद्र से फंड की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। दरअसल इस अभियान के तहत अव्वल आने वाले निकाय प्रमुख, CEO, जिला कलेक्टर और अन्य सामाजिक संगठनों को भी पुरस्कृत किया जाएगा और यह पुरस्कार मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की तरफ से दिया जाएगा। नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी आजाराम एक बार फिर जमानत की कोशिश में है। आजाराम के वकील ने सेशन कोर्ट डिस्ट्रिक्ट में एक अर्जी पेश की है जिसमें आसाराम के भांजे की मौत का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत मांगी गई है। अर्जी में बताया गया है कि आसाराम के सगे भांजे शंकर भाई पुत्र लालचंद भाई की मौत 19 मार्च को अहमदाबाद में हो गई है। आश्रम में रहकर सेवा करने वाले शंकर भाई पर आसाराम का बहुत स्नेह था। शंकर भाई की अंतिम इच्छा थी कि उसे मामा आसाराम ही मुखाग्नि दे। शंकर भाई अविवाहित था और उसके माता पिता की मौत पहले ही हो गई है। कोर्ट में आज की सुनवाई में गवाह नेहा कृपलानी का बयान पूरा हो गया। कोर्ट में अब अगली सुनवाई सोमवार को होगी। आसाराम की जमानत अर्जी पर सोमवार को कोर्ट में सुनवाई होगी। इसका आग्रह आसाराम के वकील ने ही किया है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या आसाराम के भांजे का शव इस जमानत अर्जी पर फैसला आने तक अंतिम संस्कार का इंतजार करता रहेगा। अलवर में आज पुलिस और वकीलों के बीच झड़प हो गई, जिस झड़प में आज वकीलों ने काफी जमकर प्रदर्शन किया और उसके बाद पुलिस ने वहां पर लाठीबाजी है
पूरा मामला यह था कि वकीलों का धरना काफी समय से चल रहा है और उसके बाद आज वहां पर गाली गलौज की बात सामने आई जिसमें पुलिस कर्मियों को गाली दी गई, जिसके बाद समझाइश की गई तो वहां पर झड़प शुरू हो गई। अलवर शहर के कोर्ट में पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा था, तभी आज दोपहर प्रदर्शन कर रहे वकीलों ने पुलिस अधीक्षक को माइक पर गाली गलौज शुरू कर दी। अधीक्षक कार्यालय से मात्र 50 मीटर दूर गाली गलौज के बाद पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने वकीलों को गाली गलौज नहीं करने को लेकर के समझाइश करने का प्रयास किया। इसके बावजूद वकीलों ने गाली गलौज जारी रखी, जिसके बाद पुलिस और वकीलों में झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, वकीलों को वहां से खदेड़ दिया। इससे पुलिस और वकीलों आमने सामने हो गए। पुलिस अधीक्षक ने वकीलों को समझाया कि वो अपना आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से जारी रखें, लेकिन किसी को गाली गलौज करना सहन नहीं होगा। इस दौरान भी कई वकील द्वारा गाली गलौज जारी रखी गई। गौरतलब है कि अलवर जिले के बैरोट थाना अधिकारी द्वारा एक वकील से हाथापाई के मामले में वकीलों का धरना जारी है। पुलिस और वकीलों के बीच की झड़प का मामला अब उलझता नजर आ रहा है, जिसको लेकर के वकीलों ने सोमवार को एक महापंचायत और उसके बाद अलवर बंद का आह्वान भी कर दिया है, जिसकी डेट अभी सुनिश्चित नहीं की गई है। इस मामले को लेकर के आज पूरे दिन कोर्ट परिसर में गहमागहमी बनी रही। इस मामले को लेकर के वकीलों का जो धरना है वो लगातार जारी रखने की बात अभी वकीलों ने कही है। महिला की संदिग्ध मौत के बाद हंगामा। तोसा के राजकीय अस्पताल में आज एक महिला की मौत हो जाने के बाद उसके पीहर पक्ष के लोगों ने जमकर हंगामा कर दिया और उसके ससुराल पक्ष के लोगों की पिटाई कर दी। बांदीकुई के समीप जागीर बांदीकुई की रहने वाली मृतका सुनीता की देर रात को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। आज सुबह जो ही मृतका के पीहर पक्ष के लोगों को इस बारे में पता पड़ा तो वे राजकीय अस्पताल पहुंचे और यहां पहुंचकर ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया और उनके साथ जमकर मारपीट की। मृतका के पीहर पक्ष के लोगों का कहना है कि सुनीता की जिठानी बबीता मोबाइल की बात को लेकर के उसके साथ कल रात झगड़ा हुआ था और इसी बात को लेकर के उसने ससुराल पक्ष के लोगों के साथ मिलकर के उसकी हत्या कर दी। सुनीता की मौत का कारण प्रथम दृष्टया जहर खाना बताया जा रहा है। अब पुलिस मामला दर्ज कर यह जांच करने में जुटी है कि आखिर उसने जहर खाया था या जबरन उसे जहर खिलाया गया था। सुनीता के पीहर पक्ष के लोगों का इस मामले में और भी कई गंभीर आरोप है। उनका कहना है कि सुनीता की जेठानी पहले उसकी भाभी थी और सुनीता के पति ने उसे बहला फुसलाकर उसका तलाक करवा दिया, साथ ही अपने खुद के भाई से उसकी शादी करा दी, जिसके साथ उसके नाजायज संबंध भी बताए जा रहे हैं। ऐसे में अभी सुनीता की मौत के कारणों का पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। आखिर यह आत्महत्या थी या फिर हत्या, इस मामले को दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी हुई है। महिला की संदिग्ध मौत मामले में पुलिस ने महिला के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव उसके पीहर पक्ष के लोगों को सुपुर्द कर दिया है। साथ ही ससुराल पक्ष के 3 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर के उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। राजधानी जयपुर में बीती रात जवाहर सर्किल स्थित निजी अस्पताल के सामने तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। घायल अवस्था में बाइक सवार उमेश को अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। राजधानी में जवाहर सर्किल के पास एक निजी अस्पताल के सामने तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में गणेश नगर निवासी उमेश जांगिर गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल के गेट के सामने 1:30 बजे वह तड़पता रहा। अस्पताल के गार्ड और एम्बुलेंस कर्मियों ने उमेश को तड़पता देखकर उसे उठाने की भी गर्मियत नहीं समझी। वहीं एक राहगीर ने पुलिस को फोन पर घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची थाना पूर्व पुलिस ने गंभीर अवस्था में उमेश को एसएमएस अस्पताल में पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एसएमएस अस्पताल के चिकित्सकों का कहना है अगर समय रहते ही उमेश को प्राथमिक उपचार मिल जाता तो शायद उसकी जान बच जाती। उमेश 1:30 बजे एक निजी अस्पताल के सामने तड़पता रहा और हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद भी अस्पताल प्रशासन ने विजय को इलाज देना जरूरी नहीं समझा। मृतक के परिजनों का कहना है कल रात जो घटना घटित हुई उससे यही लगता है कि जयपुर में मानवता मर चुकी है। परिवारजनों ने पोस्टमार्टम के दौरान उमेश के नेत्र दान कर एक अनूठी मिसाल कायम की है। अगर कल रात अस्पताल प्रशासन भी मानवता निभाता तो शायद उमेश की जान बच जाती। लोगों की सूझबूझ वह वक्त रहते अगर उमेश को अस्पताल ले जाया जाता तो शायद उमेश बच जाता। वहीं परिवार वालों ने उमेश की आंखें नेत्र दान में दान कर दी है। राजधानी की सड़कों पर आज एक फिल्मी सीन देखने को मिला, जहां पर बदमाशों का पीछा करती हुई पुलिस लगभग 1.5 किलोमीटर तक बदमाशों के पीछे भागती रही और आखिरकार बदमाशों को धर दबोचा। जी हां, ये पूरा मामला सामने आया है मोती डुमरी थाना पुलिस इलाके में, जहां पर पुलिस कंट्रोल रूम में एक युवक ने फोन करके सूचना दी कि एक कार के अंदर 4 हथियारबंद युवक घूम रहे हैं, जिस पर पुलिस ने नाकाबंदी कराई और वो कार उन्हें एसएमएस में खड़ी हुई मिली। जब पुलिस कार के पास जाने लगी तो उसमें से 2 बदमाश उतरकर भागने लगे, जो कि लगभग 1.5 किलोमीटर तक भागे, जिनका पीछा पुलिस ने बराबर किया और स्टैचू सर्किल पर दोनों बदमाशों को धर दबोचा। बदमाशों के पास से 1 12 बोर की बंदूक, इसके अलावा एक पिस्टल भी बरामद हुई और कई कारतूस भी बदमाशों से मिले हैं। बदमाशों ने बताया कि वो बीकानेर से जयपुर आए थे और साथ ही 2 दिन पहले फायरिंग में उनका एक साथी घायल हुआ था, जिसे वो एसएमएस अस्पताल लेके आए थे।
फिलहाल पुलिस आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है और ये जानने का प्रयास कर रही है कि हथियारों के साथ अगर युवक जयपुर आए थे तो वो क्यों आए थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि मोती डूंगरी पुलिस की जो कार्रवाई है वो वाकई काबिल के तारीफ है, क्योंकि उन्होंने आज एक बड़ी घटना को घटित होने से रोक दिया है। उदयपुर के नहरमगरा इलाके में रहने वाली 8वीं कक्षा की छात्रा ललिता डांगी की जाबाजी के चलते अपहर्ताओं की साजिश नाकाम हो गई। यही नहीं, छात्रा ने इस हादसे के बावजूद पहले स्कूल में जाकर इम्तिहान दिया और उसके बाद घर आकर सारी घटना अपने पिता को बताई और थाने जाकर मामला भी दर्ज कराया। उदयपुर के नहरमगरा इलाके के जेठियों की ओदी में रहने वाली ललिता डांगी अपने घर से इम्तिहान देने के लिए निकली थी। इसी दौरान साइकिल पर जाते समय इस वैन में बैठे हुए 5 बदमाशों ने इसके सामने 20 का नोट फेंक कर पहले तो इसे लालच दिया। इसके बाद जब ये 20 का नोट लेकर चलने वाली थी, इस दौरान एक पीछे से आए युवक ने इस 20 के नोट के बारे में जिक्र किया तो तुरंत इस छात्रा ने वो 20 का नोट उसको लौटा भी दिया। लेकिन जैसे ही इस छात्रा को ये भनक लगी कि ये बदमाश 20 का नोट नहीं चाहते बल्कि इनकी ख्वाहिश कुछ और है, इसी दौरान इसने पास ही पड़ी हुई मिट्टी उठाकर एक बदमाश की आंखों में फेंक दी और अपनी साइकिल पर सवार होकर मौके से शोर मचाती हुई भाग निकली। बहरहाल पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद अब पुलिस सक्रिय हो गई है और लाल वैन में सवार होकर आए इन 5 बदमाशों की तलाश कर रही है। इससे पहले भी इस इलाके में इस तरह के बदमाशों की घूमने की सूचनाएं पुलिस को दी गई है, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई भी बदमाश के पकड़ में नहीं आने से लोग सकते में है। वहीं पर इस गांव के लोगों का कहना है कि इस घटना के बाद अब वे सतर्क हो गए हैं और इस गांव में आने जाने वाले हर अनजान शख्स पर कड़ी नजर रख रहे हैं। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा थाना पुलिस ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार। पकड़े गए बदमाश के कब्जे से एक चोरी की बाइक सहित अवैध पौना व एक जिंदा कारतूस भी किया बरामद। राजाखेड़ा थाना के उप निरीक्षक हरि सिंह मीणा ने बताया कि बीती रात गश्त के दौरान मोबाइल से सूचना मिली कि पिनहाट रोड पर निमडाड़ा मोड़ के पास एक संदिग्ध व्यक्ति अवैध हथियार के साथ बाइक से घूम रहा है, जिसकी घेराबंदी कर कार्रवाई करते हुए मौके से हरिओम पुत्र केदार निवासी ग्वालियर थाना 34 को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक चोरी की बाइक सहित एक अवैध देशी पौना व एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। बहरहाल पकड़ा गया बदमाश चोरी लूट डकैती एवं अवैध हथियार रखने के मामले में ग्वालियर जिले के कई थानों से बांछे चल रहा था। फिलहाल राजाखेड़ा थाना पुलिस ने ग्वालियर पुलिस को सूचना देकर पकड़े गए आरोपी बदमाश से पूछताछ करने में जुट गई है। टोंक तहसीलदार और विवादों का चोली दामन का साथ हो गया है। इस बार फिर से तहसीलदार के ऊपर आरोप लगे हैं, आरोप भी बड़े गंभीर हैं। एक पार्षद ने तहसीलदार पर बदतमीजी करने का आरोप लगाया है, साथ ही साथ जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का आरोप भी तहसीलदार से लगाया है। मामला थाने तक पहुंचा लेकिन आला अधिकारियों की समझाइश के बाद मामला शांत होता नजर आया। दरअसल टोंक नगर परिषद के वार्ड नंबर 28 के पार्षद रामलाल सैनीवाल अपनी ही वार्ड की एक महिला का मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए तहसील कार्यालय पहुंचे। ऐसे में जब तहसीलदार के सामने आवेदन किया तो तहसीलदार ने पार्षद के साथ बदसलूकी की। यही नहीं, जाति सूचक शब्दों से अपमानित भी किया। इसी बात से खफा होकर तहसीलदार और पार्षद के बीच जमकर तकरार हुई और कहासुनी भी हुई। मामला इतना बढ़ गया कि कोतवाली थाने तक पूरा मामला पहुंचा। आला अधिकारी भी मौके के ऊपर पहुंचे। तहसीलदार के बचाव के अंदर आला अधिकारी नजर आए। बाद में वकीलों को और पार्षदों को समझाया गया, उसके बाद कहीं जाकर मामला सुलझता नजर आया। तहसीलदार के व्यवहार को लेकर वकीलों ने भी साफ तौर पर चेतावनी दी है कि इस बार तो समझौता कर लिया जाता है, मामले को शांत कर दिया जाता है, लेकिन अगर भविष्य में तहसीलदार दौलत सिंह राठौड़ ने किसी भी से इस तरह की अभद्रता की तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और तहसीलदार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। अब देखना यह होगा कि तहसीलदार के व्यवहार के अंदर बदलाव लाने के लिए जिला प्रशासन के आला अधिकारी क्या कदम उठाते हैं। रोडवेज विभाग में फैले भ्रष्टाचार और अधिकारियों की मनमर्जी के चलते यहां के कर्मचारियों और ड्राइवरों के अंदर आक्रोश है। इसी आक्रोश के चलते आज ड्राइवरों ने मुख्य प्रबंधक का घेराव किया। हनुमानगढ़ रोडवेज विभाग में फैले भ्रष्टाचार के चलते यहां के ड्राइवर और कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है और इसी आक्रोश के चलते आज मजदूर यूनियन के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने रोडवेज के मुख्य प्रबंधक का घेराव कर दिया और अनेकों आरोप लगाए। कर्मचारियों के आरोप है कि मुख्य प्रबंधक ने भ्रष्ट लोगों को फ्लाइंग और चेकिंग में लगा रखा है। वहीं कर्मचारियों के आरोप है कि रोडवेज विभाग घाटे में चल रहा है और
कर्मचारियों को उनकी तनख्वाह भी नहीं मिल रही। तीन तीन महीनों से तनख्वाह का इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारियों के पास अब आंदोलन के सिवा कोई चारा नहीं है। वही यूनियन के अध्यक्ष ने आरोप लगाए हैं कि मुख्य प्रबंधक सरकार को बदनाम कर रहे हैं और खुद यहां बैठे भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिसे वे अब बर्दाश्त नहीं करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो वे उग्र आंदोलन को मजबूर होंगे। मजदूर यूनियन के पदाधिकारियों के घेराव के बाद मुख्य प्रबंधक ने आश्वासन जरूर दिया है कि जो भी कमियां रोडवेज विभाग के अंदर है वे जल्द ही उसे दुरुस्त करवाएंगे। देखने वाली बात होगी कि जो मुख्य प्रबंधक ने आश्वासन दिया है वे उसे कब तक अमल में लाते हैं। बेमौसम बारिश के बाद श्रीगंगानगर की बिखर चुकी सड़कों के संबंध में शुक्रवार को नगर परिषद के पार्षद जिला कलेक्टर से मिले। इन पार्षदों ने जिला प्रशासन से सड़कों की मुरम्मत के लिए आर्थिक सहयोग की मांग की। पिछले दिनों हुई बेमौसम बारिश से श्रीगंगानगर की तमाम सड़कें बिखर चुकी हैं, बदहाल हो चुकी सड़कों से राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ज्यादा खराब हालत बिरबल चौक से खींची चौक मार्ग की है, जहां सड़कें बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं। बदहाल सड़कों को सुधारने की मांग शहरवासी नगर परिषद से कर रहे हैं, जबकि नगर परिषद के पास इन सड़कों को बनवाने के लिए बजट ही नहीं है। ऐसे में नगर परिषद के पार्षद शुक्रवार को जिला कलेक्टर से मिले और बजट न होने की मजबूरी जताई। पार्षदों की माने तो बिना बजट के इन सड़कों की हालत सुधार पाना संभव ही नहीं है, लिहाजा उन्होंने प्रशासन से सहयोग मांगा है। जिला कलेक्टर ने प्रशासन की तरफ से नगर परिषद को सहयोग करने का आश्वासन दिया। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही बदहाल हो चुकी सड़कों से शहरवासियों को निजात मिलेगी। ढूंढ और होली के साथ शुरुआत होती है मार्च महीने की और इसका समापन होता है सिंझारा गणगौर और नवरात्रों के साथ। यहाँ राजस्थान में हर पर्व पूरे उल्लास के साथ मनाया जाता है। कल सिंझारा है और परसों गणगौर। 16 दिन तक ईसर गवर की पूजा करती महिलाएं आज जवाहर कला केंद्र में सज संवर कर इस अवसर को सेलिब्रेट करने पहुंची। इसमें शक्ति स्वरूपा पार्वती और भोलेनाथ के जोड़े के समान दो महिलाएं ईसर गवर भी बनी। सबने कलश से पूजा कर नाच गा कर आपस में ये खुशियां बांटी। इस तरह के आयोजनों से पुरानी परंपराएं हमारे समक्ष जीवंत रहती हैं और यही रंग रंगीली रस्में पहचान है हमारे राजस्थान की।